ओके सो आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमें क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बड़े अपग्रेड की बात करें तो इस बार सभी आईफोन के मॉडल्स में A18 बायोनिक चिप होगी, जिसमें AI मशीन लर्निंग जैसी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी भी इसमें मिलने वाली है। इसके बाद दूसरा अपग्रेड ये हो सकता है कि जो इससे पहले के आईफोन्स हैं उनमें 6GB रैम मिलती थी, इस बार इसे 8GB तक अपग्रेड कर दिया जाए। और इन सभी आईफोन्स में क्वालकॉम X75 मॉडम का यूज़ होगा, 5G एडवांस मॉडम। इसके अलावा वाईफाई 7 मिलेगा। बाकी अगर हम बेसिक स्पेक्स की बात करें तो आईफोन 16 और 16 प्लस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। जो आईफोन 16 है उसमें 6.1 इंचेस की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की, और आईफोन 16 प्लस में भी 6.7 इंचेस की एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। अभी तो आईफोन को अपनी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट अपग्रेड करना चाहिए था। बाकी वही एल्यूमिनियम डिज़ाइन और A18 बायोनिक चिप। बस ये चीज़ है कि अभी बेस मॉडल में भी A18 बायोनिक चिप आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एप्पल का नया एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपको इनमें मिलेगा। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2x टेलीफोटो और वाईफाई 6। और बैटरी की बात करें तो 3500 mAh आईफोन 16 में और 16 प्लस में 4000 mAh। 16 प्लस में आईफोन 15 प्लस से बैटरी में डाउनग्रेड किया गया है और आईफोन 16 में थोड़ा अपग्रेड किया गया है। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 128 और 256GB 512 और यही सेम आईफोन 16 प्लस में है। इस बार स्टैंडर्ड आईफोन में बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल में चेंज किया गया है, कुछ इस टाइप से वर्टिकल डिज़ाइन में है। और अब हम बात करते हैं आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में, तो इनका स्क्रीन साइज़ इंक्रीज किया गया है। आईफोन 16 प्रो में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले और प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस की, और दोनों में ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, टाइटेनियम डिज़ाइन है और इनमें A18 प्रो चिप है, A18 से अपग्रेडेड। और इसके साथ ही एप्पल इंटेलिजेंस है दोनों में, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दोनों ही स्मार्टफोन में। उसके अलावा दोनों में ही 5x ऑप्टिकल जूम, वाईफाई 7 और एक यहाँ पे बैटरी का चेंजेस है आईफोन 16 और 16 प्रो में। बैटरी और डिस्प्ले ये दो चेंजेस मुझे लगे हैं। तो जो आईफोन 16 प्रो है उसमें 3355 mAh बैटरी है, और जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है उसमें 4676 mAh बैटरी है। और बाकी स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो दोनों ही 1TB तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इन सभी आईफोन में टाइप सी है। अब आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में जो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है इस बार इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। दोनों ही फ़ोन में 5x का ऑप्टिकल जूम दे दिया है, और इस बार शायद एप्पल एक नया इमेज फॉर्मेट कर सकता है JPEG XL। और इसके अलावा इन सभी आईफोन्स में प्रेशर सेंसिटिव कैप्चर बटन होगा, लाइक स्लाइटली अगर प्रेस करते हैं तो ऑटो फोकस कैप्चर, इमेज कैप्चर करने के लिए प्रेस एंड होल्ड एंड स्वाइप लेफ्ट राइट, जूम इन जूम आउट, तो इस टाइप से एक प्रेशर सेंसिटिव कैप्चर बटन सभी आईफोन्स में मिलेगा। और इसके साथ कैप्चर बटन और एक्शन बटन ये दोनों ही होंगे। तो ये कुछ चेंजेस हमें आईफोन 16 सीरीज में मिलेंगे। बाकी अगर मैं चेंज लोग दोबारा आपको बताऊं तो जो आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स है उनमें स्क्रीन साइज इंक्रीज किया गया है 6.3 एंड 6.9, और नया कैप्चर बटन ऐड किया गया है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा A18 बायोनिक चिप, 5x ऑप्टिकल जूम दोनों ही फ़ोन में, और उसके अलावा वाईफाई 7। तो ये कुछ मेजर चेंज लॉक्स हैं। बाकी हमने इस सीरीज की सभी डिटेल्स को कैप्चर कर लिया है। प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट की बात करें तो ये सीरीज पहले की तरह ही सेम प्राइसिंग पे लॉन्च होने वाली है। आईफोन 16 80,000, आईफोन 16 प्लस 90,000 एंड 16 प्रो 1,30,000 एंड प्रो मैक्स 1,50,000। तो कुछ इस टाइप से इसकी प्राइसिंग होगी। 9 सितंबर को एप्पल का लॉन्च इवेंट है। आई होप आपको इस वीडियो से इस सीरीज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही था। बाय एंड टेक केयर।